हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा हम नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो हमारा नया कोर्स आया है सिंटेक्स बोर्ड का, द एडिशन ऑफ 2022। सो उसमें हमारा पहला चैप्टर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इन रियल नंबर्स के ऊपर, एंड देन हम कुछ स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में कि व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। आज तक हम जो भी पढ़ते आ रहे हैं सबके सब रियल नंबर्स में लाया करते हैं, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज नंबर्स एज वेल। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर्स, हमें पता है कि एक से एक होता है नेचुरल नंबर्स का, और जो नेचुरल नंबर्स हैं दे ऑलवेज स्टार्ट बाय वन, ये वन से स्टार्ट होते हैं एंड देन कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं, एंड वी आर जनरेटेड बाय द सिंबल एन देयर। ओके, अच्छा, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं या हम डिजिट्स कहते हैं उनको, ये सिर्फ दो टाइप्स होते हैं उनके, ठीक है। एक होते हैं हमारे डिजिट्स जीरोस, जिसमें सिर्फ एक ही नंबर आता है, दैट इज जीरो इटसेल्फ, और जो दूसरा नंबर होता है दीज आर नोन एज द नॉन जीरो नंबर्स और द नॉन जीरो डिजिट्स। ये हमारे नंबर्स 1 to 9 चलते रहते हैं। अच्छा, बाकी जितने भी नंबर्स हम पढ़ते हैं या हम पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, दे आर ऑलवेज कंबाइंड फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स, या आपस में मिलके और बड़े बड़े नंबर्स बनाते हैं। सो वी शुड रिमेंबर कि वी हैव ओनली टू नंबर्स, ईदर जीरोस और फिर नॉन जीरोस। अच्छा, कमिंग बैक टुवर्ड्स द नेचुरल नंबर्स, दे आर जनरेटेड बाय ए एंड दे स्टार्ट बाय 1 और ये फिर कंटिन्यू चलते रहते हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में बस एक ही डिफरेंस है कि होल नंबर्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है 0। रिमेंबर, चाहे नेचुरल नंबर्स हों या होल नंबर्स हों, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अच्छा, तीसरा हम पढ़ते आते हैं बाई इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर जनरेटेड बाई ई, और अगर हम इनको डिफाइन करें कि दीज आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि अगर नंबर के ऊपर 2 की टेबल लग जाए तो इट मीन्स इट इज द इवन नंबर। सो वी कैन से इट ऑलवेज स्टार्ट बाय 2, 4, 6, 8 एंड ऑनवर्ड्स। अच्छा, चौथा नंबर जो सेट होता है वो हमारा होता है ऑड नंबर्स का। अच्छा, द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स, बट अगर टेबल 2 की ना लगे वी कैन से कि द इनडिविजिबल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर इनडिविजिबल बाय 2, जिनके ऊपर 2 की टेबल नहीं लगती है वो हमारे होते हैं ऑड नंबर्स। इनको हम ई से डिनोट करते हैं कैपिटल से, और इनको हम ओ से डिनोट करते हैं। They always start of 1, 3, 5 and onwards चलते रहते हैं। Remember, जो भी हम set लिखते हैं उनकी जो निशानी होती है वो capital होती है, because हम sets में पढ़ के आए हैं, चाहे कोई भी set हो उनकी जो notation होती है वो हमेशा capital letters में होती है। Means कि we cannot write down it like this key. It's totally wrong, okay? अच्छा, odd numbers के बाद हम दो और types पढ़ते हैं। पहला क्या होता है prime numbers। भाई prime numbers वो होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ 2 टेबल्स लगती हैं बस, एक तो 1 की एंड अदर वन इज पिक्सेल। यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं इट कैन बी द पार्ट ऑफ ऑड नंबर्स, इट कैन बी द पार्ट ऑफ इवन नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये वो नंबर्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ 2 टेबल्स लगती हैं, या तो 1 की या इटसेल्फ की, और हम इनको पी से डिनोट करते हैं। इट मींस कि अगर हम यहां पे 1 लिखें तो 1 cannot be a prime number, क्योंकि 1 के ऊपर सिर्फ एक ही टेबल लगती है जो कि it is itself, okay? So prime numbers हमेशा start होते हैं 2 से, and then you can say 3, then you can say 5, then you can say 7, then you can say 11 and onwards. Now you can see here कि 2 जो number है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 की टेबल लगती है या फिर 1 की टेबल लगती है बस, no any other number can divide this number, okay? अच्छा, अगर हम गौर करें प्राइम नंबर्स में एक्सेप्ट दिस 2 ऑल द नंबर्स आर ऑड नंबर्स एज वेल, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं जिनके ऊपर 2 की जो जो है सिर्फ अपने हाफ से डिवाइड होते हैं वो सब के सब होते हैं ऑड, सिर्फ ये जो 2 है वाहिद 2 हमें नोट करने की चिंतित नोट है कि भाई 2 इज ओनली प्राइम एंड इवन नंबर, ठीक है। तो इफ समवन आस्क यू कि द प्राइम नंबर्स आर ऑल द ऑड नंबर्स, सो इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज़ इट कंटेन्स वन नंबर व्हिच इज इवन एज वेल, दैट इज द 2, ओके। अच्छा, प्राइम नंबर्स के बाद फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स को। इंटीजर नंबर्स दे आर जनरेटेड बाय कैपिटल से, ओके।
अच्छा, ये जितने भी हम नंबर्स पढ़ के आए हैं इनमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, इनमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 इसमें है ही नहीं, सिर्फ एक ही टाइप डिजिट्स का इस्तेमाल करता है। अगर हमने होल नंबर पढ़ा था इसमें 0 आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का कोई भी तस्करा नहीं। अगर हम इवन नंबर्स की बात करते हैं, अगेन इट इज इन द पॉजिटिव नंबर्स, देयर आर द पॉजिटिव नंबर्स, सो द इंटीजर्स ऑलवेज कंटेन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अच्छा, इनकी सबकी हमें स्टार भी याद करनी है। नेचुरल नंबर्स स्टार होते हैं 1 से, होल नंबर्स स्टार होते हैं 0 से, ये 2 से, ये 1 से, ये 2 से, लेकिन जो इंटीजर्स हैं दे आर आल्सो स्टार्टेड बाय 0। लेकिन फिर हम इसमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस वाले नंबर्स प्लेस करवाते हैं। अच्छा, अगर हम इंटीजर नंबर्स को ओपन करें, इसको हम ब्रेक डाउन करें, यानी कि इसमें दो टाइप्स है, प्लस भी है और नेगेटिव वाले भी है, तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ जेड इज 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड्स, हम कह सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अगर हम सिर्फ नेगेटिव नंबर्स उठाएं, यानी कि हम पीछे की तरफ जाएं, तो दे कैन बी -1, -2, -3 एंड ऑनवर्ड्स, सो दे आर नोन एज द नेगेटिव इंटीजर्स। अगर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, जेड के ऊपर एक कंजुगेट की निशानी दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, इट मींस कि दीज आर द नेगेटिव नंबर्स। अब ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया अबाउट द बेसिक्स ऑफ द नंबर्स, लेकिन ये जो इंटीजर नंबर्स होते हैं वो हम प्लेस करवाते हैं नंबर लाइन पे। तो अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ टू प्लेस द सिंपल नंबर्स इनटू द नंबर लाइंस। ओके, नंबर लाइन में भी जो हमारी मीन पोजीशन होती है वो हमेशा जीरो होती है। हम यहां पे कर रहे हैं प्लेसिंग द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर्स हैं, जैसे हमने ये इंटीजर्स वाले नंबर लिए हैं, तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन के दोनों तरफ से हम दे देते हैं एरोस, इट मींस कि लाइन कंटिन्यूस, इट नेवर एंड्स। ठीक है, ये जो दो एरोस हैं इट शोस द इंफिनिटी ऑफ द नंबर्स। ओके, अगर हमने स्टार्ट किया 0 से, तो अगर हम इस तरफ जाएंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, तो ये होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स, लाइक 1, 2, 3 और ये ऑनवर्ड्स चलते रहते हैं। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, लाइक -1, -2 और ये -3, फिर ये आगे चलते रहते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये तीन डॉट्स दें या ना दें, बिकॉज ये एरो ये शो करता है कि भाई ये लाइन कंटिन्यू है और ये जो नंबरिंग है हम प्लेस करते जाते हैं। ठीक है, अब अगर हमें जो है लोकेट करना हो पॉइंट, क्योंकि हमारे पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं कि भाई लोकेट दी पॉइंट्स, ठीक है, और वी कैन से लोकेट दी नंबर्स। अब जो भी नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर कहे कि भाई 5 को लोकेट करके दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन बनाएंगे और हम इनके नंबर्स दे देते हैं 4, 5 और 6। जिस नंबर पे, यानी कि जो हमें लोकेट करना है वो हमारा 5th प्लेस पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं किसी और पेन से हम डॉट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट लोकेट, फाइन जी। अच्छा, ये थी एक सिंपल नंबर लाइन जो कि हमने इंटीजर नंबर्स को प्लेस करवाया है। जितने भी हमारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स और नंबर्स, हम सब इसके ऊपर प्लेस करवा सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इंटीजर्स के लिए इसलिए पढ़ते हैं नंबर लाइन, बिकॉज इट कंटेन्स द नेगेटिव नंबर्स एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके वैल्यू की बात होती है। ठीक है, माई फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन है कि -3 और जो 0 है, इन दोनों में से ग्रेटर या स्मॉलर कौन सा है, तो रिमेंबर जितना इस 0 से ये नेगेटिव नंबर दूर होता है उतना ही वो छोटा होता है। ओके, इफ वी मूव टुवर्ड्स दिस, तो ये इनकी जो वैल्यू है वो स्मॉल होती जाती है। सो वी कैन इजीली से कि जो 0 है वो नंबर ग्रेटर होता है इज कंपेयर टू द -3। सो वी कैन पुट दिस सिंबल लाइक हियर कि भाई 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स में ये होता है उल्टा, जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये डिक्रीज होते जाते हैं, स्मॉल की जगह भी विशेष वायदा भी डिक्रीज। ओके, लेकिन जब हम इधर जाते हैं तो इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती हुई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है ये ग्रेटर है 0 से। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू भी उतना बड़ा, और नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होता है। ठीक है, अच्छा, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अदर टाइप्स ऑफ द नंबर्स। अब हमने इंटीजर सीख लिए और इनको हमने प्लेस भी करना सीख लिया। इंटीजर्स के बाद दो वेरी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला फिर आता है हमारा रेशनल नंबर्स। ठीक है,
रेशनल नंबर्स, और इधर से हम पढ़ देते हैं कि भाई इरेशनल नंबर्स आर आल्सो देयर। अच्छा, रेशनल नंबर्स जो इनकी सिंबल होती है वो होती है क्यू, कैपिटल क्यू हम देते हैं हमेशा, बिकॉज़ इट इज आल्सो द सेट ऑफ द नंबर्स, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं दे आर ऑलवेज जनरेटेड बाय क्यू डैश। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जितने भी हमने सेट्स पढ़े थे उन सब के नाम अपने अपने इनिशियल से थे, तो रेशनल नंबर भी आर से होने चाहिए, इरेशनल नंबर भी आर से होने चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक दैट, जो आर से आते हैं और जो आई से आते हैं हम, मैं आगे बताऊंगा कि वो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में लाया करते हैं, तभी जो इनकी अपनी सिंबल होती है रेशनल नंबर्स की वो होती है क्यू और इनकी होती है क्यू डैश। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है व्हेन वी टीच टू द स्टूडेंट्स के हमारे पास अपॉन वाले नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम जिनको कहते हैं फ्रैक्शंस। तो याद रखें चाहे हमारे रेशनल नंबर्स हो या हमारे रेशनल नंबर्स हो, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक, अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर्स तो होते हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन डिफाइन दिस रेशनल नंबर एज कि भाई ये होगा p अपॉन q फॉर्म में, ये जो हमने p और q लिखा है कोई भी नंबर हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो p है या फिर ये जो q है दे बोथ मस्ट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है या फिर डिनोमिनेटर है इन दोनों की जगह कोई भी इंटीजर में से नंबर आ सकता है। ठीक है भाई, हमने अभी इंटीजर्स पढ़े थे चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो या कुछ भी हो, हम लिख सकते हैं कि 1 upon 2 it is also a rational number, we can write out for example minus 3 upon 2 it is also a rational number, और अगर सिर्फ simply 3 भी लिखा हो तो ये भी rational number की category में lie करता है, क्योंकि इसके denominator में कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, वो ये वाला होता है कि डिवीजन में यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्यों? देखें, अगर हमारे पास हो गया 2 अपॉन 0, हम इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, अगर हमने लिखा है 1 अपॉन 2 इट मींस के दो हिस्सों में से एक हिस्सा यानी कि हाफ हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 को हम डिवाइड करवा रहे हैं 1 के साथ, यहाँ पे हम 3 को डिवाइड करवा रहे हैं 2 के साथ, इवन यहाँ पे भी हम 3 को डिवाइड करवा रहे हैं 1 के साथ, यानी कि कोई ना कोई नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है हमको, इट मींस देयर शुड बी वन नंबर व्हिच कैन डिवाइड देम। ओके, लेकिन यहाँ पे केस अलग है कि 0 आ गया डिवीजन में, इट मींस कि 2 को डिवाइड करो कितने हिस्सों में, 0 हिस्सों में, सो इट्स इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखें व्हेनेवर वी हैव द 0 इन द डिनोमिनेटर तो इसका आंसर आता है ये वाला, ये सिंबल होती है इंफिनिटी की। ठीक है, इस इंफिनिटी को हम कह सकते हैं लाइक नॉट डिफाइंड। ओके, मींस के सिंपल वर्ड्स में वी कैन से कि व्हेनेवर वी हैव 0 इन द डिनोमिनेटर नीचे अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये अनडिफाइंड नंबर है। ठीक है, नॉट डिफाइंड नंबर है, तो याद रखना है हमें इंटीजर्स में से 0 ऊपर तो आ सकता है लेकिन कभी भी नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये सब होते हैं हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स। आई रिपीट कि जितने भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं जिसमें हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है सबके सब फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं, इनको हम डिनोट करते हैं क्यू के साथ, और ये जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नंबर्स होते हैं ये हमारे इंटीजर्स में होंगे, लेकिन कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया तो इट बिकम्स अनडिफाइंड। अच्छा, देन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स एक ही होते हैं, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होता है, इट इज आल्सो इक्वल टू p अपॉन q, और इसमें भी हमारा डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि ये जो p और q है इन दोनों में से एक नंबर इंटीजर नंबर्स में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर इंटीजर में से नहीं होना चाहिए, इट मींस कि ये वाला जो नंबर है जिसमें हमारे रेडिकल्स आ जाते हैं यहाँ पे कुछ सर्ट्स कहते हैं वो वाले सर जो कि हल ना हो तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं, लाइक अंडर रूट 3 अपॉन 2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये वाले हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, और वी हैव टू लर्न टुमारो, हम कल आगे चलेंगे कि भाई एरिया नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स यू कैन जस्ट पुट अ कमेंट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट ऑल। थैंक यू सो मच।